हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सैमसंग ने इस बार नोट 9 के अनाउंसमेंट में बताया था कि उन्होंने डेक्स को सैमसंग नोट 9 में इनबिल्ट कर दिया है। इसका मतलब अब आपको डेक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके नोट 9 में इनबिल्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने नोट 9 के अंदर डेक्स को यूज़ कर सकते हैं इस डोंगल के थ्रू। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों, नोट 9 में जो इनबिल्ट डेक्स है उसको यूज़ करने के लिए आपको ये अडेप्टर की ज़रूरत है, सिर्फ ये अडेप्टर की। ये है फीमेल HDMI टू USB टाइप सी पोर्ट, सॉरी अडेप्टर। आपको क्या करना है कि एक HDMI केबल जो कि आपने TV से जोड़ रखी है उसके एक पोर्ट को आपको इसमें लगाना है और दूसरा वाला जो है उसको आपको अपने फ़ोन में लगाना है। जैसे ही आप ये लगा देंगे आपका डेक्स जो है वो कनेक्ट हो चुका है आपके टीवी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट करने के बाद वो कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार टीवी से कनेक्ट होने के बाद डेक्स कुछ ऐसा दिखता है। अब आप इसे अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस ये करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन है नोट 9। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज़ योर फ़ोन एज टच पैड। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये जो माउस पैड खुल गया है, आपको इसको अपने लैपटॉप के माउस पैड की तरह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मूव करके आप डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पर आप फाइल्स ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गैलरी और सेटिंग्स भी देख सकते हैं। मैं आपको इंटरनेट ब्राउज करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए विंडो खुल गई। अब यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं ऊपर और सर्च कर सकते हैं। ये करने के दो तरीके हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर कीपैड खुल गया। आप यहाँ से चाहें तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है वॉइस का, आप उसको क्लिक करके वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि YouTube। आप देख सकते हैं सामने YouTube आ चुका है, अपने आप टाइप हो गया है। अब बस मुझे करना ये है कि गो पे क्लिक करना है। एक बार मैंने गो पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये सर्च खुल गया। अब जैसे कि मैंने YouTube पर क्लिक किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या आप ऐप ओपन करना चाहते हैं या ऐसे ही ब्राउज़र पे ही देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ऐप भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ तो ये देखिए ये ब्राउज़र खुल गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नोट्स लेने हैं जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो ब्राउज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप अगर देख रहे हैं, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो बस आपको ये करना है कि इसमें होम बटन पे हार्ड क्लिक करना है और आप अपना फ़ोन देख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कोई भी ऐप ब्राउज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप एस पेन निकाल के उससे टाइप कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, आपके नोट्स बना सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको अपने मोबाइल को एज अ माउस और कीपैड यूज़ नहीं करना है तो आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस खरीद सकते हैं। उसको आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप उसके थ्रू इंटरनेट या दूसरी चीज़ ब्राउज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए मोबाइल के पास भी नहीं आना पड़ेगा, आप दूर किसी काउच पर बैठ के भी उसको ब्राउज़ कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान होगा ब्राउज़ करने के लिए। डेक्स के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट या दूसरी ऐसी ऐप्स पर भी काम कर सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आप एस पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप एस पेन से इसको आगे पीछे कर सकते हैं और कई दूसरे ऐसे काम हैं जो आप एस पेन के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।